टाटा मोटर्स ने थोड़े वक्त पहले ही अपनी टाटा टियागो के नए क्रॉसओवर वर्जन को नए फीचर के साथ लॉन्च किया था। इस नए वर्जन का नाम है टियागो NRG। इसमें अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने लगा है। इस गाड़ी में क्या कुछ नया है वो हम आपको बता देते हैं, पर उसके पहले इतना ही कहेंगे कि हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम आपको बता दें कि ये गाड़ी 2018 में ही लॉन्च हो गई थी। इसका सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन ही मिल रहा था, लेकिन अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलने लगा है। हालांकि ये सिर्फ पेट्रोल वर्जन में ही मिलेगा और इस नए वर्जन की कीमत भी 45,000 रुपए ज्यादा होगी। मतलब कि नई टियागो NRG ऑटोमेटिक वर्जन की कीमत 5,17,000 से शुरू होगी और 6,55,000 तक जाएगी। बात करें और चेंजेस की तो गाड़ी में अभी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और आपको 5 लोगों के बैठने की जगह मिलेगी। साथ ही गाड़ी में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, पावर असिस्टेड टिल, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, रिमोट लॉकिंग, पावर विंडो, IT एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मैनुअल AC और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल विंग मिरर मिलेंगे। गाड़ी में बाहर की तरफ ब्लैक ग्रिल, ब्लैक प्लास्टिक क्लेडिंग, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, रूफ रेल और ज्यादा बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इंजन की बात करें तो गाड़ी से 85 BHP की पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलता है। साथ ही गाड़ी में 22 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज भी मिल सकता है। देखते हैं कि ये गाड़ी अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लोगों का दिल जीतने में कामयाब होती है या नहीं। क्या आप भी अपनी फैमिली के लिए टाटा की सस्ती कार को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।